वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 मैच से पहले प्रैक्टिस मैच में आया आसिफ अली और मोहम्मद रिजवान का तूफान, कर दी चौको छक्कों की बारिश। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान के दौरे पर आई वेस्ट इंडीज की टीम 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच पहला T20 मैच 13 दिसंबर को कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले सभी मैच कराची में ही खेले जाएंगे। बता दें कि यह सीरीज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दौरे को बीच में ही छोड़ दिया था। अगर वही बात करें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले 3 T20 मैचों के शेड्यूल के बारे में, तो पहला T20 मैच 13 दिसंबर को कराची में शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा T20 मुकाबला 14 दिसंबर को कराची के मैदान पर ही शाम को 6:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला 16 दिसंबर को कराची के मैदान पर शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले 9 T20 इंटरनेशनल में से 8 में जीत दर्ज की है, जिनमें ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के सभी मैचों में जीत शामिल है। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज को हराकर अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी, जिसके लिए पाकिस्तान की टीम मैदान पर जमकर प्रैक्टिस कर रही है। सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान टीम में आपस में ही प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें बाबर आजम और शादाब खान ने अलग अलग टीम बनाकर प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू किया। बाबर आजम की टीम में मोहम्मद रिजवान और आसिफ अली भी शामिल थे। हालांकि बाबर आजम कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 14 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर शाहिन शाह अफरीदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। बाबर के आउट होते ही मोहम्मद रिजवान और आसिफ अली ने चौके छक्कों की बारिश कर दी। रिजवान ने 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 21 गेंदों में 44 रन बनाकर शाहिन अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए और आसिफ अली 9 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 25 गेंदों पर 72 रन बनाकर नाबाद लौटे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की टीम अपने घर में वेस्ट इंडीज को हराने में सफल हो पाएगी या नहीं, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।